ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने वाले जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस बिना किसी रिकॉर्ड के आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को पहले सिंपली डाउनलोड करके अपने PicsArt में ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद जाना है गाइस आप सभी को ऐड फोटो में और अपने मॉडल को ले लेना है। तो गाइस मेरा मॉडल को अपने कुछ स्टेप्स ले लिया, तो मैं इसको पहले इस साइड को रोटेट कर लेता हूँ। एंड गाइस आप सभी को ऐसे मॉडल को लेने के बाद आप सभी को कुछ स्टेप्स यहाँ पे लगा देना है। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को करना है कि पहले अच्छे से इसको सेट कर लेना है पहले, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे सेट कर देने के बाद आप सभी को सिंपली यहाँ से ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को शेडो को PNG ले लेना है, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। ये मैं PNG आपको दे दूंगा। इस PNG को लेने के बाद आप सभी को कुछ स्टेप से आपको अपने जो मतलब कि आपके पैर होंगे उनके नीचे आप सभी को लगा देना है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं पहले अच्छे से लगा लेता हूँ। एंड जो गाइस ये ना इस शेडो को मतलब कि पहले मैं डाउन कर लेता हूँ। एंड यहाँ से जो मैं इसको थोड़ा सा इस रेप को मतलब पकड़ के इधर ले आता हूँ एंड यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सभी को इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देनी है। एंड उसके बाद यहाँ से आप सभी को परफेक्ट क्लिक कर देना है, डन, ठीक है गाइस। इसके बाद आप सभी को जाना है यहाँ से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को ये आउल का PNG है, ठीक है, ये मैंने आप सभी को दे रखा है, तो आपको इसको भी डाउनलोड कर लेना है। एंड सिंपली आप सभी को अपने मतलब कि आपको अपने शोल्डर के पास ऐसे टच करके लगा लेना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को अच्छा होता है उसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को जाना अगेन ऐड फोटो में। एंड आप सभी को मैंने स्नो पार्टिकल्स का PNG दे रखा है, तो आप सभी को सिंपली ये ले लेना है। इसको ले लेने के बाद आप सबको सिंपली कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देना है और कुछ मिला ऐसे लगा देने के बाद अभी आप सभी को रिजर टूल में जाना, फिर यहाँ से इन्वर्ट कर देना है पहले। एंड इन्वर्ट कर देने के बाद आप सबको ब्रश के साइज को थोड़ा बढ़ा के एंड उसके बाद थोड़ा सा हार्डनेस कम करके एंड कुछ इस टाइप से ऐसे करके पेंट करना है, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे आप सबको पेंट करना है एंड यहाँ से आप सभी को कर देना है डन, ठीक है गाइस। तो ऐसे डन कर देना है। एंड यहाँ से आप सभी को जितना ये मतलब PNG तो लग चुका है, मारते हैं हम सिंपली डन करते हैं। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को जाना है यहाँ से FX वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो अभी आप सभी को FX वाले ऑप्शन में जाना है। एंड यहाँ से आप सभी को क्या करना है, यहाँ से जाना ब्लर वाले ऑप्शन में। एंड उसके बाद आप सभी को इसको जो ब्लर है इसका अमाउंट रखना है 2 तक, ठीक है, इसको अमाउंट रखना है 2 तक। एंड उसके बाद आप सभी को जाना है से रिजर टूल में। रिजर टूल में जाने के बाद इन्वर्ट कर देना ब्रश के साइज को थोड़ा सा छोटा करके। एंड उसके बाद आप सभी को सिंपली अपने फेस के ऊपर कुछ इस टाइप से पेंट करना है, ठीक है, कुछ अच्छे से इस टाइप से पेंट कर लेना है, ठीक है। एंड याद थोड़ा ध्यान देना कि आपका जो है ये बाहर की तरफ ना जाए, तो थोड़ा अच्छे से पेंट करना आराम से साइज को छोटा करके। एंड उसके बाद कर देना आप सभी को डन, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद गाइस आप सभी को इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना है यहाँ से आप सभी को रेजर टूल में। एंड यहाँ से कर देना इन्वर्ट एंड ब्रश के साइज को थोड़ा सा छोटा रखना है। एंड उसके बाद आप सभी को अपनी बॉडी के ऊपर कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट करना है, ठीक है, ऐसे पेंट करना है एक और एक यहाँ पे कर देना है। एंड आप सभी को अनका जहाँ जहाँ पे आप सभी को अच्छा लगे ना वहाँ पे पेंट करना इसको। अगर आप ब्लैक कपड़े पहनोगे ना तो गाइस उसमें अगर आप पेंट करोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा ये, ठीक है। तो ब्लैक कलर के कपड़े होंगे आपके तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको इतना कर देने बाद आपको डन कर देना, फिर जाना अगेन टूल्स में, फिर एडजस्ट में, फिर ब्राइटनेस को बढ़ा देना, फिर रिजर टूल में जाके इन्वर्ट कर देना साइज को छोटा करके। एंड आपको याद करना आप सभी को फेस पे, ठीक है। तो कुछ एक इस टाइप से ऐसे कर लेना है, एक ऐसे यहाँ पे कर देना है एंड एक यहाँ पे कर देना है एंड ऐसे कर देना है डन, ठीक है। एंड इसका जो अमाउंट है आप सभी को अराउंड 5 या 4 तक रखना है, ठीक है। इतना कर देने बाद आप सभी को कर देना डन। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को लास्ट PNG है, ठीक है। तो इस PNG को लेना है, ऐड फोटो में जाना है, फिर इस PNG को ले लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को इसको कर देना है स्क्रीन, ठीक है, इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है। एंड यहाँ पे फुल स्क्रीन करके एंड थोड़ा सा फेस पे आप सभी को रेजर टूल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजर टूल में यहाँ पे फेस से थोड़ा हटा लेना है एंड ऐसे कर देना डन, ठीक है। एंड इसके बाद आप सभी को यहाँ से कर देना डन परफेक्टली। एंड उसके बाद आप सभी को करना कलर करेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोटो को सेव करते हैं एंड चलते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर, ठीक है गाइस। तो जब तक यार हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है और यार अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया था यार, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार आप सभी को पता होगा यार अगर आप मेरे सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा मैं आज दिन की कौन सी वीडियो डाल रहा हूँ। तो मैं आज दिन की तीसरी वीडियो डाल रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो यार मतलब कि उसके मतलब कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप सभी के लिए, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके एक लाइक से मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, मेरे को वीडियो लाने में भी अच्छा लगता है, तो मैं आप सभी के लिए वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। तो यार वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे आप में से कोई भी भाई नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए गाइस आप बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस फोटोज हमारी ऐड हो चुकी है, तो लाइट वाले ऑप्शन में जाना है। एंड इसके बाद आप सभी कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट को आप सभी को कम कर देना है एंड शेडो को बढ़ा देना है एंड जो व्हाइट है इसको भी बढ़ा देना है एंड जो ब्लैक है इसको भी इसको माइनस कर देना है थोड़ा सा, ठीक है, हल्का सा माइनस कर देना है। एंड इसका जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है एंड जो टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा माइनस कर देना है, ठीक है। इतना कर देने बाद आप सभी जाना मिक्स में एंड ऑरेंज कलर, इसके सेचुरेशन को माइनस कर देना है एंड इसका जो येलो कलर इसके सेचुरेशन को माइनस कर देना है, ठीक है। एंड जाना ब्लू कलर में एंड इसके आप सेचुरेशन को माइनस में रख सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है प्लस में भी रख सकते हो, ठीक है, बट इसको आप थोड़ा माइनस में रखना तो अच्छा लगेगा ये, ठीक है। फिर सेकंड ब्लू वाले में तो इसको आप सभी को प्लस में रखना है इसका ह्यू। एंड इसका जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में एंड फोटो क्लियरिटी इसको इंक्रीज कर देना है
एंड जब फोटो में विग्नेट आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा, बट 1% विग्नेट डाल लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद ग्रीन अमाउंट को बढ़ा देना, एंड उसके बाद जाना आप सभी को इसके नीचे वाले टूल में, एंड जब फोटो की शार्पनेस है इसको फोटो को शार्प करनी है, एंड नो रिडक्शन को भी बढ़ा देना है, एंड जो कलर नो रिडक्शन है इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। तो गाइस देखिए मैं आप सभी को दिखाता हूं बिफोर एंड आफ्टर, तो गाइस बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है। तो गाइस मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।